स्वागत है एक और न्यू एपिसोड ऑफ WWE 2K23 जिसमें शोकेस मोड को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। It happened so fast. I didn't find out till very late that I was, you know, going to accept an open challenge with Kurt Angle. Ruthless aggression. तो भाई मैच स्टार्ट हो चुका है और जितने भी इसमें कट सीन्स हैं भाई सारे स्क्रीनशॉट के फॉर्म में रख दिए हैं, तो उसमें भाई मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे इसमें सीन हुआ है। हम खेल रहे हैं भाई कर्ट एंगल से और अभी तो भाई हम पिट रहे हैं, तो अभी रिवर्स किया है भाई। अब देखते हैं भाई ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो सर को डैमेज ही करना है, जो उनके सर को भाई डैमेज कर रहे हैं, स्टार्ट में सुप्लेक्स दिए एक, दूसरा भाई करते हैं डैमेज, इसको ऑब्जेक्टिव को कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं भाई ये लोग क्या देते हैं। ठीक है भाई, एक और सुप्लेक्स दिया है भाई, सेकंड ऑब्जेक्टिव भी डैमेज करने का ही है, इसमें कुछ नहीं करना, डैमेज करना है सर को। तो भाई ये भी तो करते हैं भाई डैमेज जोन से ना सर को, उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या होगा थर्ड ऑब्जेक्टिव। ऐसे तो स्क्रीन पे भाई दोनों ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, आप भी देख सकते हो भाई। अभी तो फिलहाल पहले ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट करते हैं, सर को डैमेज कर देते हैं जोन से ना सर को। भाई जोन से ना सर स्टंट हो चुके हैं, वो भाई दूसरा ऑब्जेक्टिव भी कम्प्लीट हो चुका है भाई। थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव जो है भाई वो तो एंकल लॉक का है भाई, यानी फिनिशर लगाना पड़ेगा, जिसके लिए भाई अभी फिनिशर लाना पड़ेगा। तो भाई पहले मारना पड़ेगा जोन सिना सर को, उसके बाद हमारे पास फिनिशर आएगा। जल्दी से जोन सिना सर को सिग्नेचर लगा देते हैं जिससे फिनिशर जल्दी आएगा। तो लो भाई ये लगा सिग्नेचर, तो भाई ये फिनिशर हमारे पास आ चुका है, तो कोशिश करते हैं फिनिशर लगाने की। लो भाई, तो लो भाई ये रिवर्स कर चुके हैं जोन सिना सर, फिनिशर नहीं लगा पाए भाई। अभी एक और फिनिशर है हमारे पास, करते हैं जोन सिना को पहले स्टंट, उसके बाद लगाएंगे फिनिशर। तो भाई जोन सिना सर गिर चुके हैं, लगाने की कोशिश करते हैं दोबारा फिनिशर। तो भाई लो ये भी रिवर्स कर दिया भाई, आज तो पूरे रिवर्स करने के मूड में है जोन सिना सर। लो भाई लो सर स्वीप कर चुके हैं, लो भाई उठाकर भेज दिया जोन सिना सर ने। लो पिन इतनी जल्दी पिन, अरे सर इतनी जल्दी तो मत करो। लो रिवर्स रिवर्स सर, फिनिशर खा लो एक फिनिशर। तो भाई ड्रैग करते हैं सर को, क्योंकि इधर रोप ब्रेक होने की संभावना है पूरी पूरी, तो बीच में लेकर चलते हैं सर को, उसके बाद फिनिशर लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलो सर ड्रैग हो जाओ, ड्रैग हो जाओ। तो सर को ड्रैग भाई कर लिया है, अब फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं भाई इस बार रिवर्स करेंगे जोन सिना सर या खाएंगे फिनिशर। लो भाई लो, इस बार रिवर्स नहीं करा भाई, रिवर्स नहीं किया भाई। लो भाई फिनिशर लग चुका है, फिनिशर लग चुका है भाई। तो भाई फिनिशर लो भाई भाई इतनी जल्दी रिवर्स भी करते हैं जोन सिना सर ने, लेकिन भाई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। भाई नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं भाई क्या है। पहले भाई उठ तो जाएँ, ठीक है भाई उठ रहा है बंदा। लो भाई रिवर्स किया, सुप्लेक्स खाओ जोन सिना सर। भाई सर पकड़ लिया जोन सिना सर ने, लगता है काफ़ी तेज़ लग चुका है सर के। चलो उठो सर उठो। ऑब्जेक्टिव है भाई वो हैवी कॉम्बो है, तो हैवी कॉम्बो लगा दिया भाई सर के। हैवी कॉम्बो लगने के बाद भाई ये भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है भाई ये लाइट अटैक का था, तो भाई लाइट अटैक करने से कट सीन स्टार्ट हो चुका है, जिससे भाई आप सब लोगों को मैच का पता चल पाए और कॉपीराइट का इशू भी ना आए। इसकी वजह से भाई मैंने कट सीन के स्क्रीनशॉट लगा दिए, तो भाई मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। सबसे पहले जोन सिना सर एक पंच मारते हैं, पंच मारने के बाद जोन सिना सर आयरिश स्वीप के लिए जाते हैं, उसके बाद एक स्लैम लगा देते हैं कर्ट एंगल को और डायरेक्ट पिन के लिए जाते हैं, पर भाई पिन फॉल हो नहीं पाता और उसके आगे से भाई मैच स्टार्ट हो ही चुका है। मैच स्टार्ट हो चुका है और स्क्रीन पे दो ऑब्जेक्टिव दिखने लगे। अरे सर 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 जोन सिना सर रुको यार, बताने तो दो भाई। पिन के लिए चलेगा जोन सिना सर, बच गया भाई बच गए। तो भाई दो ऑब्जेक्टिव है, पहला तो एंगल स्लैम लगाना है यानी सिग्नेचर देना है जोन सिना सर को, और भाई दूसरे में डोज करना है, ब्लॉक करना है या फिर रिवर्स कर देना है, तीन मूव जोन सिना सर के। तो भाई सबसे पहले सिग्नेचर लगाते हैं जोन सिना सर को, तो चलो सर सिग्नेचर खाने के लिए तैयार हो जाओ। लो भाई लो लो एंगल स्लैम भाई लगा दिया है एंगल स्लैम, और अब उसके बाद भाई हम तीन रिवर्स करने हैं, डोज ना सर मारो कुछ तभी तो भाई रिवर्स करेंगे। तो भाई एक डोज हो चुका है, एक कम्प्लीट हो चुका है, अभी दो और करने हैं भाई हमको, यानी या तो हम रिवर्स कर सकते हैं या डोज कर सकते हैं या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। अरे पिन के लिए कहाँ जा रहे हो सर, इतनी जल्दी पिन नहीं होगा जोन सिना सर, आराम से खेलो आराम से खेलो। तो भाई ये देखो ये रिवर्स भाई सही सही ना भाई, रिवर्स ही नहीं हो रहा, दो रिवर्स बाकी है भाई, देखते हैं दो रिवर्स कैसे कैसे करने हैं। लगाओ जोन सिना सर कुछ मूव। लो भाई एक और रिवर्स हो चुका है भाई, एक और रिवर्स करना है, डोज ब्लॉक कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई जोन सिना सर ओ रिवर्स भाई रिवर्स रिवर्स हो चुका है भाई, तो ये ऑब्जेक्टिव भी मुझे लगता है कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ भाई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, उनमें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो स्क्रीन पर आ चुका है भाई, क्या है भाई देख लेते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। भाई तीन सुप्लेक्सिटी लगानी है जोन सिना सर को, तो भाई
एक तो भाई लगा चुके हैं जून सेना सर को, तो भाई इससे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा दो। और भाई ये भाई लोग फाइनल सुपलक्स सिटी लगा चुके हैं, तो भाई ये ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ चुका है स्क्रीन पे, देख लेते हैं भाई क्या है। लाइट कॉम्बो, भाई लाइट कॉम्बो लगा देनी है, तो उठाते हैं सर को और लाइट कॉम्बो लगा देते हैं जल्दी से। तो भाई ये कट सीन स्टार्ट हो चुका है लाइट कॉम्बो लगाने से, लगता है भाई ओरिजिनल फुटेज फिर से चलेगी। ओरिजिनल फुटेज चलेगी तो भाई स्क्रीन शॉट लगाना पड़ेगा, तो भाई ओरिजिनल फुटेज चल चुकी थी जिसकी वजह से स्क्रीन शॉट लगाना पड़ा है। तो भाई मैं बता देता हूँ आपको कैसे कैसे ये मैच एंड हुआ है। तो भाई सबसे पहले जैसे आपने देखा स्लैम लगा देते हैं जून सेना, उसके बाद पिन के लिए जाते हैं जून सेना, पर भाई किक आउट कर देते हैं कर्ट एंगल। उसके बाद भाई सबमिशन के लिए जाते हैं कर्ट, सबमिशन के साथ ही कर्ट फंसा के भाई पिन कर देते हैं, और जिससे भाई पिन फॉल हो जाता है और कर्ट ये मैच जीत जाता है, जिससे भाई जून सेना को काफ़ी बड़ा शोक लग जाता है। पर फिर भी भाई जून सेना कर्ट एंगल से हैंड शेक करने की कोशिश करते हैं, पर भाई कर्ट एंगल हैंड शेक नहीं करते और रिंग छोड़कर चले जाते हैं, और भाई इसी के साथ ये मैच एंड हो जाता है। करें इस मैच के बेनिफिट की, स्मैकडाउन अरीना जून सेना कर्ट एंगल के टायर अनलॉक हो चुके हैं। अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप लोग कॉमेंट्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को आज इधर ही एंड कर देते हैं। कल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।